जय गुरु जी, सत श्री अकाल गुरु जी, नमस्ते गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत का बहुत बहुत स्वागत और गुरु जी का बहुत शुक्राना सबको सत्संग से जोड़ने के लिए और ये प्यारी घड़ियां बख्शने के लिए जिसमें हम गुरु जी और सिर्फ गुरु जी की ही वडियाई सिफत सलाह करेंगे। थैंक यू विक्रम अंकल फॉर इन्वाइटिंग मी टू शेयर माई ब्लेसिंग्स विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू बड़े मंदिर मैनेजमेंट for arranging this platform where we listen to all the new Sangat and old Sangat satsangs to get blessings of Guruji. Sari Purani Nai Sangat jo bhi apna satsang share karti hai unka bhi bahut bahut shukrana. Hum Nai Sangat apne aap ko nahi bolte hain, jaise ki aap sab bolte ho naya purana kuch nahi hota, par phir bhi hum naye jude hain, aap bhi jude hain Guruji se. तो पुरानी संगत जो जिनसे हम बहुत सीखते हैं और वो आके अपने सत्संग शेयर करते हैं, अपनी ब्लेसिंग शेयर करते हैं, गुरुजी के वचन शेयर करते हैं, गुरुजी के डिसिप्लिन रहना तरीका मर्यादा, सत्संग की मर्यादा, नारंग अंकल के सत्संग, उषा आंटी, उषा सिंह, उषा भाटिया, ओल्गा आंटी, मैं इन सब के सत्संग बहुत सुनती हूँ और बहुत सीखती हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ सीखती हूँ। तो उन सबका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत ही प्यारा वो अपने सत्संग सुनाते हैं, गुरुजी की बातें सुनाते हैं और हम वहीं पहुंच जाते हैं। हमें ऐसा लगता है गुरुजी हमारे सामने ही बैठे हैं और ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा है, तो उसके लिए बहुत शुक्राना उनका। मैंने पहले भी अपना सत्संग बहुत बार बड़े मंदिर प्लेटफॉर्म पे भी शेयर किया है और भी शेयर किया है, पर आज जब मैं सोच रही थी कि क्या बोलूंगी, क्या गुरुजी बुलवाएंगे, तो सोचा कि मैं जिन शब्दों से और जिस गुरबानी से मैं इतनी जुड़ी हूँ, उन जिन शब्दों से मैं बहुत अटैच हूँ, जो मेरी लाइफ गुरुजी से जुड़ने के बाद वो शब्द ही हैं जो मेरी लाइफ, जो रिमेनिंग लाइफ मेरी जितनी भी है, वही शब्द डिस्क्राइब करते हैं, और वो शब्द इस सत्संग में मैं जरूर आज मेंशन करना चाहूंगी। संगत जी, कुछ भी शेयर करते समय कोई भी गलती हो, भूल चुक हो, तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, फॉरगिव कीजिएगा। फ्लो में, गुरुजी के रंग में हम खो जाते हैं और पता नहीं चलता, सोचा कुछ और होता है बोलने के लिए, निकलता कुछ और है मुंह से। तो कोई भी गलती, कुछ इनएप्रोप्रिएट कुछ भी बोल जाऊं तो प्लीज मैं माफी चाहती हूँ आपसे भी और बड़े मंदिर मैनेजमेंट से भी। पंडित जी, मैं बचपन से शब्द गुरबानी, वाहेगुरु, गुरुद्वारा साहिब, इन सबसे बहुत जुड़ी हूँ। बचपन से बहुत रिलीजियस रही हूँ। बचपन में शिवजी भगवान के मंदिर में शिवजी भगवान शाम को हम धोते थे, मंदिर धोते थे, आरती करते थे, सुबह की सारी तैयारी करते थे, सुबह 4 बजे उठ के भी, मेरी फ्रेंड थी वो मंदिर में रहते थे तो उनके साथ बहुत हमारा अटैचमेंट था। फिर बड़ी होने लगी तो गुरुद्वारा, घर के साथ ही गुरुद्वारा है, वहां से बहुत अटैच हो गए। और मम्मी पापा राधा स्वामी थे, हम छोटे छोटे थे तो जाती थी मैं ब्यास, जाती थी माथा टेकने और सत्संग सुनने, पर बस जैसे कि हम लोग बचपन से सुनते हैं कि हमने हर संत को मंदिर गुरुद्वारा सब जगह नमस्कार करना है, हमने यही, हमारी यही अपब्रिंगिंग है, तो वैसे ही सब जगह नमस्कार करना, सत्संग सुनना, सब जगह जाना। लेकिन ये कनेक्शन जैसा कुछ ना तो पता था उस एज में, और कुछ खास नहीं कुछ भी पता था, बस गुरुद्वारे के साथ रहते थे तो प्रसाद खाने के लिए बड़े मंदिर, सॉरी जय गुरु जी, गुरुद्वारे जाती थी तो बैठते थे, सत्संग कीर्तन सुनते थे, तो सब पाठ वगैरह सब याद हो गए। तो आज बड़ा शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि बचपन में प्रसाद के बहाने या कैसे भी हम खेलते खेलते गुरुद्वारे जाते थे, और बहुत अच्छा अभी लगता है कि सब शब्द याद है, गुरबानी याद है, नितनेम पढ़ना कैसे करना सब आता है, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। पहले भी शब्द सुनते थे, बचपन से सुनते आए, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद जो आनंद अब आता है वो पहले कभी भी नहीं आया था। अभी बहुत आनंद आता है, एक जुड़ाव, एक खिंचाव शब्द का, मतलब हर चीज समझ में आने लगी है, तो बहुत अच्छा लगता है, शुक्राना गुरुजी का। कुछ शब्द हैं जिनको मैं फ्यू शब्द जस्ट डिस्क्राइब माई रिमेनिंग लाइफ विच गुरुजी हैज ब्लेस्ड एंड एक्सटेंडेड। जैसे कि जो मांगो सोई सोई पावो, अपने खसम भरोसा, इसी शब्द में विश्वास भरोसा अपने गुरु पर जो भी हमें है, हम सबको है, वही मेरा मेरा लाइफ डिस्क्राइब करती है।
गुरु जी को देखती हूँ तो गुनगुनाती हूँ और आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलती हूँ, घर परिवार मेरा तेरा कर्जाई है, हर हाल में ही तूने प्रीत निभाई है। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ अपने सत्संग करते टाइम, लेकिन मेरे को लगता है अभी जो मेरे आंसू हैं ये बस शुक्राने के आंसू हैं। और ये भी प्रे करती हूँ गुरु जी के आगे हाथ जोड़ के कि आंसू आपके आगे निकले और किसी के आगे ना निकले। पहले की जिंदगी में कोई कुछ बोल देता था, अच्छा बुरा, हम रोने लग जाते थे, आंसू निकलते थे, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, तो ये सबसे बड़ा चेंज है। और मैं सोचती हूँ कि बस गुरु जी के आगे रोऊं, इतना रोऊं, इतने आंसू निकले कि मेरी क्लेंजिंग हो और बस गुरु जी के आगे सब कह पाऊं और किसी के आगे नहीं कह पाऊं। कोई कुछ नहीं कर सकता संगत जी, सिर्फ गुरु जी ही है जो हमारा हर हर हाल में हमारे साथ रहते हैं और हमारा साथ देते हैं। जब अच्छा मूड होता है तो गुरु जी को देखती हूँ तो गाती हूँ, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। गुरु जी ने जैसे मेरा साथ निभाया, मेरे टफ टाइम में मेरे साथ रहे, हर हर जगह मेरे साथ थे। जब वो याद आता है तो गाती हूँ, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, हे मेरे गुरु जी, जैसे मेरा साथ दिया है सबका साथ देना। मैं हमेशा कहती हूँ, जो दुख मुझे दिए ना परमात्मा, वो किसी को मत देना, पर इतने जो आपने सुख दिए है ना, जो हम गिन भी नहीं पाते। मेरी झोली में इतना कुछ आपने दिया गुरु जी, इतने सुख दिए हैं, वो सबको देना। जब अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करती हूँ तो गुरु जी ने बख्शी है तो गाती हूँ, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मुंह से गरीब करोड़ पड़े। जितनी लाइफ बची है संगत जी, उसके लिए गाती हूँ, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। बस अब यही लाइफ है, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी की संगत, गुरु जी के सत्संग। संगत जी, अब मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगी। मैं आई हैव टू कंट्रोल माई इमोशंस ताकि मैं अच्छे से अपना सब ब्लेसिंग्स बता सकूं। सीक्वेंस में कोशिश करूंगी बताने की, लेकिन थोड़ा डावाडोल इधर हो गया, इधर उधर हो गया, तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। संगत जी, मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताऊंगी। मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, हम लोग गुरुद्वारे से, मेरे पापा, मेरे दादाजी, हम सब लोग गुरुद्वारे से बहुत जुड़े हुए। और मेरी शादी, मेरे हस्बैंड पंजाबी नहीं है, कुमाऊनी फैमिली से हैं, नैनीताल से हैं, और वो गुरुजी, गुरुद्वारा, इन सब चीज़ों को कुछ नहीं पता नहीं था। 2006 में मेरी शादी हुई और मैं हम लोग एक महीने बाद ही दुबई चले गए। दुबई में मेरी बड़ी डॉटर शांभवी दुबई में बॉर्न हुई। सब कुछ ठीक चल रहा था, ससुराल बहुत अच्छा, सब परिवार बहुत अच्छा, मेरे हस्बैंड बहुत 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 अच्छे, बहुत रिलीजियस। दुबई में हम लोग बस जिंदगी की शुरुआत की और मेरी बड़ी बेटी वहां पे बॉर्न हुई, वो 5 महीने की थी, तो हम दुबई छोड़ के दोहा आ गए और वहां से जिंदगी शुरू की। मैंने जॉब शुरू किया यहाँ पर आके, जो मेरी बड़ी डॉटर छोटी थी। और फिर उसके बाद मैंने गुरुजी, जब भी मैं वाहेगुरु को बहुत मानती थी, और जब भी मैं वॉशरूम में जाती थी तो हमेशा मेरा हाथ मेरी ब्रेस्ट पे जाता था और मैं कहती थी, कहीं मुझे ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं होगा, कहीं मुझे ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं होगा। और मैं सोचती थी और भाग के वाहेगुरु के सामने बैठ जाती थी और बोलती थी, वाहेगुरु जी ऐसा कुछ मत करना, ऐसा कुछ मत होने देना, मेरे को ऐसा मत करना। पर अभी समझ में आता है कि यू नो थॉट्स बिकम थिंग्स, सो हम लोगों को ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। मैं सारी संगत को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी, हमें सब अच्छा ही सोचना चाहिए। ये तो हम अब गुरुजी से जुड़े हैं तो हमारे में ये चेंजेस आए हैं कि हम अच्छा सोचें, पॉजिटिव रहें, गुरुजी के वचन माने, तो उससे बहुत चेंज आता है। तो 2000 फिर उसके बाद हम जब दोहा आ गए, दोहा से हमें एक साल के लिए थोड़ी जॉब की प्रॉब्लम थी और हम लोगों को बहरीन जाना पड़ा। मेरी छोटी डॉटर तब दोहा में ही बॉर्न हुई थी, आद्या,
और वो 2 years की थी, और हम लोग 2016 में हम लोग बहरीन चले गए। मैं दोहा छोड़ना नहीं चाहती थी, बहुत अच्छी जगह है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग्स है यहाँ पर, लेकिन बस हमें जाना पड़ा। मैं वाहिगुरु जी से बहुत अटैच थी, और मैं रोते रहती थी कि वाहिगुरु जी मेरे को वापस आना है इस कंट्री में, मेरे को बहरीन बिल्कुल रहना नहीं था। मैं जॉब भी नहीं किया, मेरे हस्बैंड का जॉब भी, बस वी वर नॉट हैप्पी। तो मैं बस गुरु जी को, वाहिगुरु जी को बोलते रहती थी। गुरु जी के बारे में हम लोग को मेरी सिस्टर इन लॉ जो दुबई में है उसने बताया था, मेरे कजिन, मेरे हस्बैंड के कजिन की वाइफ, तो उसने गुरु जी के बारे में बताया। तो हमने बस सुना, लॉकेट देखे, लॉकेट प्रसाद देखा, और इग्नोर कर दिया, हमने ध्यान नहीं दिया उस तरफ, क्योंकि हस्बैंड की फैमिली बिल्कुल पंडित टाइप से पूजा करना, पाठ करना, और दुर्गा माता को खूब मानते हैं लोग, शिव जी भगवान सब पूजा, मतलब जैसे हमारे यहाँ होता है नॉर्थ इंडिया में, तो वैसे ही करते थे। तो मेरे को लगता था ये लोग तो बिल्कुल मानेंगे नहीं इन चीजों को। तो बहरीन से जब हम मैं एक बार वाहेगुरु जी को बहुत प्रे कर रही थी कि वाहेगुरु जी मैंने वापस जाना है, बहुत रो रही थी, और हमारा जॉब सेट नहीं हो रहा था। तो एकदम से एक कॉल आया, और उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड से बात करनी है, और वो कतर का नंबर था। तो मैं बहुत खुश हो गई, और उस दिन मैं बहुत रो रही थी वाहेगुरु के आगे, मैं बहुत ज्यादा रो रही थी और बहुत परेशान थी कि हम कैसे करेंगे, जैसे पागल होके बात करते हैं, अपने आप से बातें करी जा रही थी, और मेरे हस्बैंड मंदिर में थे। तो वो कॉल आया मेरे हस्बैंड की जॉब के लिए, और वाहेगुरु जी की कृपा रही, और हम लोग दोहा वापस आ गए, जहाँ मैं आना चाहती थी। हम लोग 2016 में गए थे, और 2017 में वापस दोहा आ गए। दोहा आए तो मेरे को थोड़ा सा, छोटा सा सिस्ट था ब्रेस्ट में, और वो मैं चेकअप करवाते रहती थी, पर हमेशा डॉक्टर्स बोलते थे कि कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ सिस्ट, वी डोंट इवन कंसीडर इट अ सिस्ट, एंड इट विल डिसॉल्व बाय द टाइम। पर मैं अंदर से, मेरे को कुछ रहता था कि कुछ तो है, ये सिस्ट कुछ तो है, ऐसे चेकअप करवाते रहती थी। 2018 फेब में मेरी जॉब लग गई यहाँ पर। मैं एक बहुत अच्छी जॉब छोड़ के गई थी, और मैं आई, और फिर मेरी जॉब लग गई, और मैं टेस्ट करवाती रहती थी। तो इस बार जब मैंने टेस्ट करवाया, तो उन डॉक्टर ने बोला कि कुछ इन्फेक्शन लग रहा है, कुछ अनयूजुअल सा है, सस्पिशियस, तो हम लोग थोड़ा एंटीबायोटिक्स देंगे और फिर देखेंगे। लेकिन जब उन्होंने एंटीबायोटिक्स दी, और वो दे ही नहीं रहे थे, डॉक्टर ने मुझे दी नहीं, नहीं नहीं यू आर फाइन, यू डोंट हैव एनी इशू, ही ऑब्जर्व्ड एंड ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। मेरे को कुछ तब और भी लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। हमारे एक चंडीगढ़ के डॉक्टर हैं यहाँ, मैं उनके पास गई, और मैंने उनको बोला कि डॉक्टर साहब, पता नहीं, वो मेरे को डॉक्टर ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। देन ही सेड कि हमारे यहाँ क्लिनिक में एक इंडियन डॉक्टर है, तुम उनको दिखा लो एक बार। उनको मैंने दिखाया, तो उन्होंने सारे टेस्ट करवाए, मेरे सारे टेस्ट, मेमोग्राम और वो सब टेस्ट करवाए, तो उनको कुछ सस्पिशियस लगा लेफ्ट साइड, तो उन्होंने फिर मेरे को बायोप्सी करने को बोला। तो उन्होंने बोला कि यहाँ हामद बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, तुम वहां चले जाना, मैं रेफरल दूंगी, और अगर वहां नहीं होता तो तुम अलाली, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां पे बायोप्सी होती है, तो तुम वहां करवा लो। तब तक कुछ माइंड में नहीं था, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और हमारी इंडिया की टिकट बुक थी, मेरी नीस की एंगेजमेंट थी, हमने उस पर जाना था, सारी टिकट्स बुक, पूरा घर पैक, बच्चों की पैकिंग, किचन से सब सामान खत्म, बैग्स पड़े हैं वॉल के साथ लगा के कि हमने जाना है। तो वो टेस्ट हुआ, और टेस्ट की रिपोर्ट आई, टेस्ट मेरा अलाली प्राइवेट हॉस्पिटल में टेस्ट हुआ, और 27 जून 2018 को मैं टेस्ट रिपोर्ट लेने जा रहे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला रास्ते में कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो लाइक, उनको बिल्कुल लग नहीं रहा था मेरे अंकल को कि ऐसा कुछ होगा, तो उन्होंने बोला टेस्ट की रिपोर्ट ही नहीं लेने जाते, पहले इंडिया चले जाते हैं, कुछ नहीं होगा, तुम ऐसे सोचो मत। हम गए, हम जाके बैठे, मेरे हस्बैंड और मैं थे, और डॉक्टर अरेबिक डॉक्टर था, एंड उसने, उन्होंने बोला कि इट्स सीरियस, इट्स कैंसर, एंड कैंसिल योर ट्रिप, यू कैन नॉट गो टू इंडिया। तो संगत जी, आप सोच सकते हैं मेरी क्या हालत हुई होगी। मैं बहुत, मतलब मैं रो रही थी, मेरे पर आवाज नहीं निकल रही थी,
मैं बहुत रो रही थी, अजीब सा रोना हो रहा था। एंड डॉक्टर को भी अच्छा नहीं लगा, वो उठ के वहां से अपने क्लिनिक जो उनका रूम था उसमें से उठ के चले गए। नर्स ने मेरे को वाटर ऑफर किया, मैं नीचे आई और मैंने अपनी नीस को जिसकी एंगेजमेंट में जाना था मैंने उसको कॉल करके बोला कि मिठू मेरे पास पता नहीं कितने दिन है मेरी डॉटर्स के लिए, मेरे बच्चों को देख लेना। तो उसने बोला कि मासी आप रो मत, सब ठीक हो जाएगा। हमें उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था, हमने अपने जो यहाँ चंडीगढ़ वाले डॉक्टर हैं उनको फोन किया कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है और ऐसे ऐसे, तो उन्होंने बोला आप ना मेरे पास आ जाओ। हम उनके क्लिनिक में गए, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो। उन्होंने बोला कि ये अच्छी न्यूज नहीं है, मैं भी बहुत परेशान हूँ सुन के। ज्योतिका आते रहती थी चेक करवाने, कुछ समझ नहीं आया था, पर चलो कोई बात नहीं। मेरी एक फ्रेंड कॉलीग है वो सिंगापुर में है, उनकी जान पहचान है अहमद हॉस्पिटल में, क्योंकि यहाँ पे अहमद में ही है जहाँ पे ट्रीटमेंट कैंसर का ट्रीटमेंट और कहीं नहीं है, लेकिन वहाँ अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती है, 6 मंथ्स तक नहीं मिलती है, ऐसे रहता है। तो हमने सोचा हमें तो कोई जानता भी नहीं है, तो डॉक्टर ने बोला कि तुम मैं फोन करता हूँ, अगर उनका मिल जाता है फोन तो मैं ट्राई कर लेता हूँ। उन्होंने ड्रॉअर से फोन निकाला और अपने फ्रेंड को फोन करके बताया कि ऐसे ऐसे बात है और हमें वहां पर कुछ चाहिए, हमद में अगर कुछ हो सकता है कोई जान पहचान है तो। उन्होंने डॉक्टर को फोन किया, शी इज सीनियर कंसल्टेंट हियर, आई विल नॉट टेक हर नेम। उन्होंने बोला कि तुम जाके उन डॉक्टर को सुबह मिल लो। उनका फोन भी आ गया उससे विद इन कुछ फ्यू सेकेंड्स, ये सब हो गया कि सुबह तुम हमद चले जाओ और डॉक्टर से मिलो, 7:45 पे तुम चले जाओ। हम वहां पर गए और लिफ्ट में वही डॉक्टर थी और मेरे को बस ऐसे लगा कि यही डॉक्टर है जिस उस पर, उससे पहले की बात बताती हूँ, सॉरी मैंने मिस कर दिया। हम डॉक्टर से मिलकर आए, बहुत मन खराब। मैंने हस्बैंड को बोला बच्चों को लेके दूसरे कमरे में जाओ, मैं मंदिर के कमरे में सोई और मैं सोना कहाँ था, मुझे तो लग रहा था मैं जिंदगी भर अब नहीं सो पाऊंगी, जितनी जिंदगी बची है मैं तो नहीं सो पाऊंगी, इतनी टेंशन में कोई कैसे सो सकता है, नींद नहीं आएगी। मेरी नीस ने मेरे को मैसेज किया कि मासी आप 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करो। तो मैंने बोला कौन से गुरुजी, कहती मैं दिल्ली गई थी और मेरी लाइफ चेंज हो गई है मासी, आप प्लीज आप ये 7 बार मंत्र जाप करो। उसने मुझे व्हाट्सएप में भेजा, मैंने कमरा बंद किया, मंदिर था सामने, मैं सामने बेड था, मैं उसके ऊपर लेटी, मैंने 7 बार मंत्र जाप किया और मेरे को नींद आ गई। मैं सुबह उठी मैं बहुत हैरान, मैंने बोला ये कैसे हुआ, मैं सो कैसे गई, इतनी टेंशन में कोई कैसे सो सकता है, कितने दिन बचे हैं मेरे पास मुझे नहीं पता, तो मैं कैसे सो गई, मेरे को थोड़ा सा विश्वास होने लगा। उस दिन मैं अपने और फिर उससे अगले दिन मैं हमने सोम सुबह फिर हॉस्पिटल जाना था, बस ऐसे लग रहा था कि ब्लेसिंग्स शुरू हो गई यहीं से। हम लोग एलिवेटर में थे और मैं उसी में लिफ्ट में डॉक्टर भी थी, तो मेरे को लगा कि यही डॉक्टर है, पता नहीं मेरे को अंदर से लगा, मैंने अपने हस्बैंड को पिंच किया, पहले मुझे लग रहा यही डॉक्टर है। इतनी देर में डॉक्टर खुद बोलती है कि तुम मुझे मिलने आए हो, तो मैंने बोला कि जी डॉक्टर, और वो हमें अपने साथ ले गई, उन्होंने मेरा कार्ड लिया, हेल्थ कार्ड उन्होंने रजिस्टर किया कंप्यूटर में। और उस दिन पहली बार मैं बहुत रो रही थी, मेरे हस्बैंड भी बहुत इमोशनल थे उस दिन, और डॉक्टर ने बोला कि ज्योतिका तुम आज रो रही हो, 1 साल बाद नहीं रोगी, सोचो कि मैं रो भी क्यों रही थी। और उसने हमें बहुत तसल्ली दी और मेरे हस्बैंड ने बहुत थैंक्स किया उनका कि एटलीस्ट किसी ने हमें थोड़ा हिम्मत बढ़ाई कि सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम वहां से आए, उन्होंने भाग भाग के डॉक्टर ने, जो कभी होता नहीं है हामिद में नहीं होता, भाग भाग के अपने कोलीग को फोन करके, वन यंग लेडी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, यू हैव टू डू हर टेस्ट, ऑल द टेस्ट टुडे, उसे 4-5 टेस्ट हमारे एक ही दिन में हमारे अरेंज करवाए, उसमें बायोप्सी भी था, मेमोग्राम था, अल्ट्रासाउंड था, सब कुछ। एंड उन्होंने हमें बोला कि 10 डेज, गिव मी 10 डेज एंड वी विल टॉक अबाउट इट, लाइक हम लोग को गाइडलाइंस मिल जाएंगी आफ्टर द रिपोर्ट कि आगे क्या करना है। तो हमने कहा ठीक है, वो 10 डेज हम लोगों को वेट करना था रिजल्ट, सारे टेस्ट दोबारा ही हुए थे।
हमने इंडिया का ट्रिप कैंसिल किया। उस दिन से मैंने इट वाज लाइक 28 जून के बाद जो भी वीक चल रहा था, हमने टेस्ट वगैरह करवाए, वेट कर रहे थे रिजल्ट्स का। तो डॉक्टर ने हमें उन दिनों, फिर हम गुरुजी के बारे में मैंने जानना शुरू किया, मैंने यूट्यूब देखा, वो सब किया, मैंने अपना व्हाट्सएप में डीपी लगाया, जबकि हमने ये न्यूज अभी किसी को बताया ही नहीं था। मेरे ससुराल में मेरे फादर इन लॉ को अभी तक भी नहीं पता है कि मेरे साथ क्या हुआ, उनको थोड़ी बीपी की प्रॉब्लम है तो हमने नहीं बताया था, बस मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, इन सबको पता था। तो हम लोग, ट्रिप कैंसिल हुआ ये बोल के कि जॉब में थोड़ी दिक्कत है तो हम लोग नहीं आ सकते। तो उसके बाद हम लोग गुरुजी के बारे में पता करने लगे यूट्यूब में, मैंने डीपी लगाया अपने व्हाट्सएप में, तो मेरी सिस्टर इन लॉ जो दुबई में है उसका मैसेज आया कि भाभी आपको क्या हुआ है, सब कुछ ठीक है, आपने गुरुजी का डीपी लगाया। तो मैंने बोला कि नेहा तुमने क्यों पूछा, तो उसने बोला क्योंकि जिनको मेडिकल इश्यूज होते हैं ना उनको गुरुजी अपने पास बहुत जल्दी खींचते हैं। तो मैंने फिर उसको अपना न्यूज बताई कि ऐसे से हुआ है, तो उसने और भी बताना शुरू किया। उस दिन मैं ऑफिस में थी और उसने मेरे को स्वरूप भेजे, चरण स्वरूप भेजे, मैंने ऑफिस से प्रिंट किया गुरुजी का व्हाइट चोले वाला स्वरूप, और हम लोग आ गए। इसी दौरान एक रात को जी मैं बहुत रो रही थी, गुरुजी ने मेरे को ड्रीम दर्शन दिए, और वो ड्रीम दर्शन नहीं होते हैं संगत जी, आप में से सब संगत ने एक्सपीरियंस किया होगा, वो कुछ और ही होता है, वो साक्षात गुरुजी होते हैं सामने, गुरुजी सामने खड़े थे और गुरुजी ने मेरे को मेरी लाइफ एक्सटेंड की। मैंने गुरुजी से बात की, गुरुजी को बस यही प्रार्थना की, गुरुजी मेरी डॉटर्स जो है ना मेरे सामने सेटल हो जाए, वो ठीक मेरे सामने बड़ी हो, और फिर आप मेरे को ले जाना। और गुरुजी ने मेरी लाइफ एक्सटेंड की। और उसके बाद एक बार रात को ऐसे ही मुझे तब ज्यादा ज्यादा पता नहीं था, जैसे अब तो हम विजुलाइज करते हैं कि बड़े मंदिर छोटे मंदिर कैसा है, वहां पे रेड कारपेट है और गुरुजी वॉक कर रहे हैं, या फिर हमने फोटोज देखी हैं, वीडियोस देखे हैं, वो तब तक मुझे कुछ नहीं पता था। और रात को गुरुजी मेरे को ड्रीम में वो शोल्डर अप करके, जैसे गुरुजी हग हग वाली पोजीशन में वॉक करते, मैंने कई देखी हैं उनकी फोटोज स्वरूप, तो उसमें वॉक करे और मेरे को व्हाइट चोला पहना हुआ है, रेड कारपेट दिखा है, खूब बड़ा हॉल है, और गुरुजी कह रहे हैं कि तन पता मैं आज पूरी रात नहीं सोया। मैं सुबह उठी, मैंने बोला ये गुरुजी थे, कौन थे, मेरे को लगा कि मेरे चाचा जी थे, उनका भी डील डॉल ऐसा ही था, फिजिक गुरुजी जैसा, और व्हाइट कुर्ता पजामा पहनते थे। तो मैंने बोला कि मैं उनसे इतनी अटैच नहीं थी, गुरुजी तो नहीं हो सकते, सॉरी सॉरी संगत जी, मेरे चाचा जी नहीं हो सकते, गुरुजी थे। अभी समझ में आता है कि वो गुरुजी ही थे, कि मेरे कष्ट बहुत भारी थे, मेरे कर्म बहुत भारी थे। तो उन्होंने बोला कि मतलब मेरे को जो फील होता है वो सत्संग, वो ड्रीम सोच के भी यही फीलिंग आती है कि गुरुजी कह रहे थे कि मैं पूरी रात नहीं सोया, मतलब उनको मेरी चिंता हो गई कि कैसे इसको ठीक करना है या कैसे इसके कष्ट दूर करने हैं। चलो वो हुआ। उसके बाद 7 जुलाई आया, और एक दिन पहले 6 जुलाई को फ्राइडे था 2018, 7 जुलाई जो गुरुजी का बर्थडे होता है उस दिन सैटरडे था, और एक दिन पहले फ्राइडे था, और हम लोग ग्रोसरी करने, यहाँ मिडिल ईस्ट में फ्राइडे ऑफ होता है तो मोस्टली हम लोग ग्रोसरी फ्राइडे करते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को वैसे ही बोला, मैंने बोला कि हम गुरुजी का सत्संग करें, तो मेरे को डर लग रहा था अंदर से कि ये तो गुरुजी को गुरु और ये सब नहीं मानते हैं तो कैसे करेंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने हाँ बोला कि हाँ हाँ कर लो। मैंने नेहा से पूछा कि सत्संग कैसे करते हैं, हम गुरुजी का बर्थडे है, हम अपने घर में सत्संग करना चाहते हैं। उसने सारा बताया कि थोड़ा डेकोरेट कर लेना, गुरुजी का स्वरूप रखना, ऐसे से प्रिंट जो मैंने प्रिंट किया था चरण स्वरूप वो सब मैंने लगाया। मेरे हस्बैंड को अपने आप गुरुजी ने सोजी दी, और उन्होंने बहुत सुंदर दरबार सजाया। हम लोगों ने मैंने साथ वो येलो कलर की मिठाई ली, जो जो समझ में आ रहा था, जितना समझ आ रहा था, लंगर प्रसाद बनाया। नेहा ने बताया था कि एक प्लेट में चार लोग सत्संग लंगर प्रसाद शेयर करते हैं, चाय प्रसाद रखते हैं, मैंने वो सब किया। और पहला शब्द अभी पता नहीं था प्लेलिस्ट कैसे चलती है, यूट्यूब में जो शब्द समझ में आया वो लगाया, तो पहला शब्द लगाया तत्ती वाव न लग गई। और उस दिन मैंने नया सूट पहना,
मेरे हस्बैंड ने भी नया कुर्ता निकाल के पहन लिया। आई वॉज सो सरप्राइज कि मेरे हस्बैंड कैसे कर रहे हैं, पर वो सब गुरु जी करवा रहे थे। तो उन्होंने बहुत सुंदर, मेरे हस्बैंड ने माता की चुन्नी लेके दुर्गा माता की पूरा दरबार सजाया, फूल वगैरह रखे, जो सब करते हैं किया। उसके बाद लंगर प्रसाद किया और हम बहुत इमोशनल हो गए। हम चारों, मेरी डॉटर्स तब तो 4 ईयर्स की थी छोटी वाली, हम चारों ने एक दूसरे को हग किया और बस ऐसे लग रहा था कि गुरु जी हमारे सामने बैठे हैं। हम सारे बहुत इमोशनल थे, एकदम बहुत रो रहे थे गुरु जी के आगे। गुरु जी का बहुत शुक्राना किया। उसके बाद 7 जुलाई को हम लोग सत्संग के बाद मैं ऑफिस चली गई। मैं ऑफिस गई और मेरे हस्बैंड छोटी वाली डॉटर को सुलाने के लिए कमरे में आ गए। वो तो कमरे में सुलाने आए तो खुद भी सो गए साथ ही। तो उनको ड्रीम में गुरुजी ने दर्शन दिए और दर्शन ये थे कि एक पहाड़ी में, जैसे नैनीताल ही होगा, पहाड़ी पे मेरे हस्बैंड जा रहे हैं और एक मंदिर है, अंधेरा मंदिर है, गुरुजी है, गुरुजी की संगत है, गुरुजी की संगत है। एक सेकेंड संगत जी, मुन्न टेक हिम आउट, टेक हिम आउट एंड लॉक द डोर, सॉरी संगत जी। और वो गुरुजी ने दर्शन दिए, गुरुजी चल रहे हैं मंदिर में, जोत जलाई और फिर गुरुजी चले गए। तो मैंने अपने हस्बैंड को ऑफिस से व्हाट्सएप करके फोटो भेजा कि देखो आपने कितना सुंदर दरबार सजाया था, दर्शन करो। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला, तुम मुझे क्या बोल रही हो, देखो मेरे को तो गुरुजी घर में दर्शन देके गए हैं। मैं बहुत हैरान हो गई, मैं फटाफट आई और मैंने बोला क्या हुआ। कहते मुझे, तब तक मेरे हस्बैंड को विश्वास नहीं हो रहा था कि गुरुजी हैं। बोलते ऐसे ऐसे मुझे लगा कि गुरुजी हैं और ऐसे ऐसे हुआ। फिर हमने नेहा को दुबई फोन किया, नेहा कहती भाभी गुरुजी ही हैं और अपनी प्रेजेंस जरूर फील करवाते हैं। आपके घर में आज सत्संग हुआ, पहली बार गुरुजी आए और गुरुजी ने आपको दर्शन दिए। उसके बाद अब मेरे हस्बैंड को समझ आता है और वो खुद बोलते हैं कि गुरुजी ने हमारे अंधेरी जिंदगी में दिया जलाया। अब समझ में यही आता है कि उसका यही मतलब था। और अब संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे से भी ज्यादा कनेक्टेड है, कनेक्टेड इन द सेंस कि वो बिल्कुल कोशिश करते हैं कि गुरुजी के वचन ए बी सी, गुरुजी की शब्द गुरबानी, जो गुरुजी के सत्संग की मर्यादा है, जो हम बड़े मंदिर से सीखे हैं और बड़े मंदिर में के पुरानी संगत से सुनते आए हैं कि ऐसे सत्संग करना चाहिए, सिर्फ शब्द गुरबानी सुननी चाहिए, बेसिक लंगर प्रसाद बनाना चाहिए, ए बी सी नहीं करना चाहिए, तो वो बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, बड़ा सुंदर गुरुजी का दरबार सजाते हैं। तो बहुत शुक्राना करती हूँ उसके लिए गुरुजी का। उसके बाद संगत जी, हमने डॉक्टर से परमिशन ली कि हम लोग इंडिया चले जाएं, हम सबको मिलके आना चाहते हैं और बड़े मंदिर जाएंगे अपना ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले। और ऐसे ही हुआ, डॉक्टर ने हमें 10 डेज का परमिशन दे दिया कि तुम जा सकते हो। हम लोगों ने पूरा ट्रिप चेंज किया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि नैनीताल जाके फिर मैं बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड मेरे को ऐसा बोलेंगे। और उन्होंने बोला कि नहीं ज्योतिका, जब ऐसी अच्छी जगह पे जाते हैं तो पहले बड़े मंदिर ही जाएंगे, उसके बाद कहीं और जाएंगे। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत शुक्राना किया गुरु जी का। हम लोग बड़े मंदिर पहुंचे 4 बजे। होटल से, एयरपोर्ट से होटल, होटल से हम बड़े मंदिर गए और बड़ी प्यारी संगत मिली, सेवादार मिले जिन्होंने हमें अंदर आने दिया, हमारी प्रॉब्लम समझी। उसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि उन्होंने हमें बहुत ही प्यारे सेवादार अंकल से मिलवाया। उन्होंने हमारी बात सुनी, समझी और बहुत सांत्वना दी, बहुत हिम्मत दी कि सब कुछ ठीक होगा, तुम यहाँ तक आ गए हो ना, सब ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, गुरु जी बैठे हैं, उनको सब पता है। हमने वहां, हमें लंगर प्रसाद मिला जो सेवादार के लिए, सेवादारों के लिए बनता है, वो मिला, हमने वो खाया, चाय प्रसाद मिली। फिर अंकल ने पूछा कि आप लोग अभी रुकना चाहते हो, हमने बोला हाँ जी। फिर हम वहां रुके, रात तक हम बैठे, 2 घंटे अंकल ने हमें लंगर, सॉरी सत्संग हॉल में बिठाया। इतनी फ्रेग्रेंस गुरु जी की, तब तक हमें इन चीजों का पता भी नहीं था। उससे सिर्फ एक दिन पहले हमने जेठरा अंकल का सत्संग सुना था, फ्लाइट में आने से पहले, मतलब एयरपोर्ट आने से पहले रात को हमने सत्संग सुना था, वो भी जेठरा अंकल का सुना, पहला सत्संग जो मैंने सुना था जेठरा अंकल का, वो भी कैंसर के बारे में था। तो और भी ज्यादा विश्वास हुआ, जेठरा अंकल के दर्शन भी हुए इवन हमें बड़े मंदिर में उसी टाइम। और मैंने एकदम उनको पहचान ली कि अरे इनका तो हमने रात को सत्संग भी सुना था। एक गुरु जी हर जगह एक एंडोर्समेंट कर रहे थे कि मैं हूं।
ये सब मेरी ही संगत है जिनको मैंने ब्लेस किया है और तुम भी ब्लेस हो जाओगी, ऐसे ही फीलिंग आ रही थी। बस बहुत रो रहे थे, समाधि में बैठे बहुत रोए, लंगर हॉल में भी बस गुरु जी के समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। बस प्रार्थना कर रही थी, शब्द गुरबानी सुन रही थी, इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी, इधर जाती थी तो फ्रेग्रेंस आती थी, तब तक हमें पता भी नहीं था कि इतना फ्रेग्रेंस का क्या सीन होता है, अभी सब पता चल गया। और गुरु जी का बहुत शुक्राना किया, वहां से हम नैनीताल गए, सबको मिले, और फिर वापस आते हुए लोटा लिया, ब्लेस करवाया, और फिर बड़े मंदिर से हम लोग बड़े मंदिर आए दर्शन करने। जैसे ही हम बड़े मंदिर से परिक्रमा करके हम लोग मैंने जो क्या कहते हैं कुटिया है गुरु जी की, वहां पर टच किया और अपने आप को टच किया, मैं दो कदम आगे गई, मैं वापस आ गई। मैंने बोला कि पता नहीं क्यों मेरा मन किया मैं दोबारा से टच करूं, मैंने उस हाथ से दोबारा टच किया। हम आके गाड़ी में बैठे होटल जाने के लिए, मेरे उस हाथ से बहुत खुशबू आई, इतनी फ्रेग्रेंस और बिल्कुल अलग फ्रेग्रेंस। मैंने अपनी बॉडी पे पूरा टच किया, देखा, सबको बोला, अपनी डॉटर्स को, मेरे ब्रदर इन लॉ थे उनको, मेरे ड्राइवर भैया को, कि देखो कितनी खुशबू आ रही है मेरे हाथ से। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हम तो अपना दिमाग चलाते हैं ना, मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं तुम्हारे हाथ में परफ्यूम था उसका होगा। मैंने बोला कि नहीं ये वो वाली फ्रेग्रेंस नहीं है। फिर हमने नेहा को फोन किया दुबई, तो नेहा ऐसे से हुआ, तो नेहा कहती कि भाभी आप याद करो कि आपने कहाँ टच किया था आते हुए। तो मैंने बोला कि मैंने एक सेवादार अंकल को बोला था गुरु जी के रूम में जाने को, मिल सकता है माथा टेकने को, तो उन्होंने बोला था कि नहीं, और उधर से फिर मैं कुटिया की तरफ से टच करके आ गई। तो कहती कि भाभी आप आपको गुरुजी ने मंदिर में अपने रूम में नहीं बैठने दिया होगा, लेकिन गुरुजी ने आपका हाथ पकड़ के ना आपके साथ जा रहे हैं और आपका सब कुछ अच्छा करेंगे। और मेरे को सच में ही लगा कि वाकई में उसी हाथ से इतनी फ्रेग्रेंस, और बहुत देर तक वो फ्रेग्रेंस आती रही। जब हम होटल पहुंचे मैं बहुत खुश हुई उसका ये बात सुन के, और ये भी गुरुजी संगत को मिलवाते और मैसेज दिलवाते हैं कि ये गुरुजी ने ही मेरा हाथ पकड़ा था और मेरे को ब्लेसिंग्स दी हैं। मैं हम वहां से गए, हम दोहा आए, 5 अगस्त को मेरे प्री टेस्ट हुए और 6 अगस्त को कीमो स्टार्ट होना था। सारे कीमो मेरे 8 कीमोस मेरे को मंडे को मिले, सारे मंडे। बहुत खुश हुई, गुरु जी का बहुत शुक्राना किया। 31 दिसंबर 2018 को मेरा लास्ट कीमो था और सारे कीमो में संगत जी गुरु जी ने ऐसा मेरा साथ दिया, मुझे पता ही नहीं चला। मैं खुद कीमो करवाने जाती थी, ड्राइव करके मैं ऑफिस चली जाती थी, इतनी गुरुजी हिम्मत देते थे। ऑफिस के लोग बोलते थे ये कीमो लेकर, इतनी एनर्जी रहती थी ये कीमो लेकर आती है कि देकर आती है, इतना गुरुजी ने साथ दिया। उसके बाद थोड़ा सा मैं बीच में मिस कर गई, वो मैं सत्संग जरूर सुनाना चाहती हूँ क्योंकि उसमें गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया था। सॉरी जी, मेरा फर्स्ट कीमो हुआ और इम्यूनिटी बहुत लो हो गई और हम लोग, मैं ऑफिस से कहीं लंच पे बाहर गई और मेरे को इन्फेक्शन हो गया, मेरे को फीवर हो गया, फीवर हुआ और कैंसर हॉस्पिटल में ही, आई वॉज नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर, इफ आई हैव इवन हेडेक आई एम सपोज टू गो टू कैंसर हॉस्पिटल ओनली। मैं वहां पे गई और डॉक्टर्स ने मुझे एडमिट कर लिया कि इट्स इन्फेक्शन, और मैं आईसीयू, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, मैं आईसीयू में चली गई, आईसीसीयू में, कोई भी नहीं आ सकता था। इट वॉज लाइक यू नो आप स्ट्रेचर पे पड़े हो, ट्यूब्स लगी हैं, एंटीबायोटिक, आपको इतनी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक 3 डेज। और मेरे फर्स्ट कीमो जब शुरू हुआ था तो मेरी सिस्टर इन लॉ और उसकी डॉटर इंडिया से आई थी मेरे पास, क्योंकि बच्चों के पास, बच्चे छोटे ही थे, कोई था नहीं बच्चों के पास, तो मैं आईसीसीयू में कोई भी नहीं आ सकता था 3 डेज। 3rd डे मैं बहुत परेशान थी और मैं बात भी नहीं कर पा रही थी, मेरे लिप्स पे स्वेलिंग हो गई, तो मेरे को डॉक्टर, मैं एकदम अनकॉन्शियस हो गई और मेरे को लगा मैं गई। उस टाइम कुछ नहीं याद आ रहा था, कोई हस्बैंड, कोई बच्चे, कुछ नहीं याद आ रहा था, अपना शरीर, अपनी सेहत और अपनी बीमारी दिखती है। मेरे को बिल्कुल उस दिन होश नहीं था और मेरी सिस्टर इन लॉ भी देखने आई दिन में, तो वो भी घबरा गई थी और मैं बात नहीं कर पा रही थी, डॉक्टर्स आए तो मैं बोल नहीं पा रही थी। तो मेरे को एकदम से नींद आ गई जैसे मैं गई, और एकदम से मेरे को मेरे निक नेम से मेरे को किसी ने आवाज दी, सोनू, और मैं एकदम से आंखें खोली और मैं जान आ गई।
वो थर्ड डे मेरी दवाई काम करने लग गई, उन्होंने कुछ चेंजेस देखे, कुछ इम्प्रूवमेंट देखा और मेरे को प्राइवेट रूम में 2 दिन के लिए प्राइवेट रूम में भेज दिया। वो ईद के दिन थे यहाँ पर, तो डॉक्टर्स को मैं 5 डेज हो गए थे, बच्चों को नहीं मिली थी, तो मैं डॉक्टर्स को हाथ जोड़ रही थी कि डॉक्टर प्लीज मेरे को घर जाने दो, मेरे को मैं अब ठीक हूँ। उन्होंने बोला एक रिपोर्ट और आनी है और आपको 10 डेज और रिलीज नहीं मिल सकता क्योंकि हमें कैंसर हॉस्पिटल से रिलीज चाहिए और वहां पे छुट्टियां गवर्नमेंट हॉलीडेज हैं, हम लोग नहीं दे सकते रिलीज। उस रात को मेरी बहुत तबीयत खराब हुई, मेरे को बहुत एसिडिटी थी, मैं वॉमिट कर करके अपने आप को थोड़ा ठीक करने की कोशिश कर रही थी। सॉरी समझ जी, लेकिन मैं बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रही थी। उस रात को मेरा विश्वास टूट रहा था और मैं अपने आप कहती कुछ नहीं है, कहाँ चले गए गुरुजी, मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा, मेरा पता नहीं क्या होने वाला है। इतनी देर में वो सुबह का टाइम था, जिस तरह पंजाबी चीज कहते ना ठंडा मिठा दिन, 4 या 5 बजे, ना मैं सोई थी ना मैं जागी थी और बाहर रोशनी थी, मेरे को अच्छे से याद है जैसे स्ट्रीट लाइट की रोशनी होती है बड़ी लाइट्स की हॉस्पिटल्स में, वो कर्टन से अंदर आ रही थी, वो भी मुझे याद है। और मेरे को गुरुजी आए और मेरे राइट ईयर के पास पर्पल कलर का रोब पहना हुआ और बिल्कुल साक्षात गुरुजी, बिल्कुल साक्षात, और मेरे को बोलते 2 चम्मच दही खा ले। और आगे से मैंने कहा अच्छा गुरुजी, इतनी देर में सुबह ही हुई थी, वो तो सुबह ही थी, मैं बड़ी हैरान हुई, अरे गुरुजी आए थे, मैं बहुत खुश हो गई, बहुत पॉजिटिव फील किया। मैंने नर्स से मंगवा के 2 चम्मच दही खाया, मैं काफी टाइम वो 2 चम्मच दही लेते रही कि ये मेरी दवाई गुरुजी ने मुझे दी है। उसके बाद मैं दिन में 9 बजे के करीब मेरी सिस्टर इन लॉ आई हॉस्पिटल में और डॉक्टर्स आए राउंड पे, तो उन्होंने बोला कि एक रिपोर्ट और आनी है ज्योतिका, हम देखते हैं कि क्या वो रिपोर्ट क्या कहती है। तो बोलते कि आए और बोलते कि ज्योतिका तुम्हारी अरबिक, ऑल अरबिक डॉक्टर्स, और कहते कि तुम्हारी जो एंटीबायोटिक्स है ना मैजिकली वर्क की है। जैसे ही उन्होंने ये वर्ड बोला मैजिकली, मैं समझ गई कि ये तो गुरुजी का ही करिश्मा है, और डॉक्टर्स अगर ऐसे वर्ड बोले वो भी अरबिक डॉक्टर्स, तो कोई भी समझेगा कि ये कोई और नहीं, कोई शक्ति है जो इनको बुलवा रही है। और उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर से कंफर्म किया कि दीदी क्या कह रहे थे डॉक्टर्स, उन्होंने बोला हाँ वो यही कह रहे थे कि मैजिकली वर्क किया तुम्हारी एंटीबायोटिक। और संगत जी जैसे वैसे ही हुआ, गुरुजी ने दर्शन दिए, सब ठीक हुआ और मैं 5 दिन बाद अपने बच्चों के पास आ गई। मेरे कीमो चलते रहे, 8 कीमो हुए, उसके बाद गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि हर फ्राइडे हमारे घर में सत्संग होने लगा। हम ढूंढते थे संगत, ढूंढते थे संगत, नहीं मिलती थी, आपस में बैठ के कर लेते थे। एवरी फ्राइडे हमारे घर में सत्संग होने लगा, जितना जितना पता चला गुरुजी से बहुत जुड़ गए, मेरे हस्बैंड तो बहुत जुड़ गए। और उसके बाद गुरुजी ने बहुत कृपा की और ऐसे ही मेरे को एक, फिर उसके बाद मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती थी अपने हस्बैंड से कि मेरी सर्जरी होनी थी फेब में, कीमो के बाद मेरी सर्जरी होनी थी, तो सर्जरी वाले में भी छोटा सा सत्संग है कि मेरी जो अपनी सर्जन थी वो नहीं थी, मैं दूसरी डॉक्टर से मिली और उसने मुझे डेट दे दी सर्जरी की। तो मेरे मन में चल रहा था कि ये दे वांट टू रिमूव द होल थिंग, और मेरे मन में ये चल रहा था कि ये क्यों बिना अल्ट्रासाउंड किए ये क्यों सर्जरी कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि डॉक्टर मेरी अपनी सर्जन नहीं है, मैं उनसे मिल लूं, उसने मेरी ना सर्जरी की डेट जो थी कैंसल कर दी, एंड शी सेड ओके यू सी योर ओन डॉक्टर, लेट हर डिसाइड। और गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, जो मन में मैंने सोचा उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड दोबारा लिखा, अल्ट्रासाउंड दोबारा हुआ तो डॉक्टर को पता चला, एक और चीज सामने आई कि हम लोगों को मेरे लिए अच्छा था और डॉक्टर्स के लिए अच्छा नहीं था कि वो ब्रेस्ट रिमूव करना चाहते थे, तो उन्होंने उस तरीके से गुरुजी ने बड़ी कृपा की कि उनको एक और चीज समझ में आ गई जो मेरे लिए अच्छी साबित हुई। तो ऐसे गुरुजी छोटी छोटी बात सुनते हैं, हम सबकी बात सुनते हैं। और उसके बाद मैं सर्जरी से पहले मत्था टेकने आई बड़े मंदिर में, यही कहती थी कि मैं अपनी दवाई खाने आई हूँ। वो बहुत रो रही थी बाहर बैठ के सत्संग हॉल में, लंगर हॉल में, तो एक आंटी बैठी थी सेवादार आंटी, मेरे को बोलती है तुम क्यों रो रही हो इतना। तो मैंने बोला आंटी बस मैं शुक्राना के आंसू हैं, मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ, गुरुजी मुझे ठीक कर रहे हैं। तो बोलती है कि तुम यहाँ आ गई हो, तुम ठीक हो गई हो,
तो मुझे बोलती हैं कि उन्होंने मुझे अपना सत्संग सुनाया कि मेरे अंकल को भी कैंसर था और वो भाग भाग के से नाचते खेलते गुरु जी ने उनके कीमो कटवाए। और जब वो ऐसे आते थे तो सब लोग बोलते थे ये कीमो मतलब कीमो लेके आए, कोई मानता भी नहीं था, इतना गुरु जी ने साथ दिया। और तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा। और कहती है कि मेरे हस्बैंड ने थोड़े टाइम बाद बोलना शुरू कर दिया था कि मैं दिसंबर में चला जाऊंगा, मैं दिसंबर में चला जाऊंगा। कहती हमें अच्छा नहीं लगता था और मैं गुरु जी को बोलती थी मेरे हस्बैंड ऐसा क्यों बोलते हैं। तो कहती कि गुरु जी उनके ड्रीम में आए, ड्रीम दर्शन, और गुरु जी ने उनको बोला, सबको कुछ कुछ बांट रहे थे गुरु जी संगत को, तो उनके हाथ में बिंदी का पत्ता दिया जो सुहाग की निशानी होती है। तो आंटी कहती कि जब गुरु जी ने मेरे को ये दिया तो मैं समझ गई कि गुरु जी कुछ नहीं होने देंगे मेरे हस्बैंड को, उन्होंने मेरे को मेरा सुहाग दे दिया। तो बोलते कि ज्योतिका देखो कितने दिसंबर निकल गए हैं और अंकल बिल्कुल ठीक है, तुम ऐसे ही ठीक हो जाओगी। इतनी प्यारी संगत, इतने प्यारे सत्संग और इतना अच्छी संगत से गुरु जी ने सेवादारों से मिलवाया। उसके बाद 31 दिसंबर को भीषण मिस करके जब मेरा लास्ट कीमो चल रहा था तो मेरे हस्बैंड किसी तरह रिक्वेस्ट करके इंडिया आए और छोटे मंदिर उनको जाने को मिल गया। रिक्वेस्ट किया कि मेरी मैं बस गुरु जी के दर्शन करके चला जाऊंगा, उन्होंने दर्शन करने दिए। मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स अपनी वाइफ को भेजना चाहता हूँ, उसका कीमो चल रहा है। और वहां मेरा कीमो चल रहा था और वहां पे लास्ट कीमो था और वहां पे गुरु जी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी। छोटी छोटी चीज गुरु जी ने कैसे मानी। मेरा जिस दिन मेरी सर्जरी होनी थी सुबह, मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि मेरे को जल प्रसाद देना याद रखना, और उसी रात को गुरु जी ने मेरे को हॉस्पिटल में ड्रीम दर्शन दिए। और गुरु जी व्हाइट चोले में हैं अपने, जहाँ पे लंगर हॉल से पहले हम वहां से वॉक करते हैं वहां पे, और मेरे को कह रहे हैं कि जल प्रसाद रख लिया। और मैं ना हंस के कहती हूँ कि गुरु जी बहुत खराब हो आप, आपको पता है मैंने रखा, आप जानबूझ के करते हो। और बस मैं यही कहती हूँ, गुरु जी आप कैसे करते हो, आप कैसे करते हो, छोटी छोटी बात मानते हो। ऐसे ही एक बार मैं बड़े मंदिर माथा टेकने ही आई थी, शायद मेरे रेडियो थेरेपी थी उससे पहले, और मैं बाहर खड़ी थी और मेरी नीस थी मेरे साथ और उसकी फ्रेंड, हम रिक्वेस्ट करते कि हमें अंदर जाने दो। तो एक किसी के हाथ पर मैंने शिवपुराण देखी, तो शिवपुराण मैंने अपनी जिस मंबल किया अपनी नीस को कि मैंने बोला कि गुरुजी बोलते थे कि शिवपुराण पढ़नी चाहिए पर पता नहीं कहाँ मिलती है, ये कह के हम भूल भी गए। उन्होंने हमें अंदर जाने दिया, हम तीनों हॉल के पास बैठे, हम तीनों ही थे, पता नहीं कहाँ से एक अंकल आए और हम तीनों बैठे थे, वो किसी को भी दे सकते थे। उन्होंने मेरे हाथ में सीडी दी और मुझे बोला आंटी ये आपके लिए शिवपुराण की सीडी है। मैंने उनके हाथ से छीन के अपने बैग में डाल ली और बिल्कुल भूल गई, बिल्कुल ब्लैंक, नहीं पूछा आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आपको किसने बोला कि मुझे शिवपुराण की बात कर रही थी मैं, बिल्कुल ब्लैंक। जब हम जाने लगे तब मुझे एकदम से याद आया कि अरे मुझे तो सीडी मिली शिवपुराण की। तो गुरु जी पता नहीं कहाँ से सुनते हैं, कैसे करते हैं और कितना ब्लेस करते हैं हम लोगों को। मेरा मेरा ऐसे ही ट्रीटमेंट, जब मेरे 33 सेशंस थे रेडियो थेरेपी के, तो मैंने मॉर्निंग टाइम दिया था कि 7 बजे करवाऊंगी और फिर मैं ऑफिस जा सकती हूँ। तो मैं हमेशा, हम लोगों को वैले पार्किंग लेनी पड़ती थी, वहां पे वीआईपी के लिए पार्किंग थी और फिर अगर पार्किंग करने जाओ तो बहुत देर लग जाती थी, मिले नहीं मिले तो हम हमेशा वैले पार्किंग दे देते थे। तो जब मेरे 33 सेशंस होने थे तो मैंने सोचा, मैंने ऐसे बस मन में सोच, एक छोटी सी सोच आई, मैंने बोला गुरु जी ये तो 33 सेशंस और 15 रियाल्स देने पड़ेंगे, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऐसे कहके मैं भूल भी गई। मैं आई वहां, मेरा फर्स्ट सेशन जिस दिन था, एक कोरियन पार्किंग में वो सिक्योरिटी गार्ड था और मैंने उसको वैसे ही पूछा, मैंने बोला मैं यहाँ पार्क कर लूँ, तो उसने मुझे पूछा कि तुम ट्रीटमेंट के लिए आए हो, मैंने बोला हाँ, तो उसने मुझे पार्क करने दिया। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, वो 33 डेज, जहां मेरे को कभी पार्किंग पहले नहीं मिली थी, हम ट्रीटमेंट के लिए आते थे, 33 डेज मेरे को किसी ने नहीं पूछा और मेरे को इतनी गुरु जी की ब्लेसिंग्स की। मैं एक भी दिन, उसने जैसे ही मैं जाती थी वो गेट खोल देता था, मैं पार्क करती थी, मैं फटाफट भाग भाग के फिर अपना ट्रीटमेंट करवा के फिर मैं ऑफिस जाती थी। और गुरु जी की ऐसी कृपा रही कि ऑफिस वाले लोग भी इतने अच्छे, गुरु जी कहते हैं ना दवाइयां भी तभी लगती हैं जब मैं ब्लेस करता हूँ, अच्छे लोग भी तभी मिलते हैं संगत जी जब गुरु जी ब्लेस करते हैं। हम हमेशा, मैं हमेशा वही बोलती हूँ, सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चितावे वाहिगुरु जी। गुरु जी बस उन्हीं संगत से मिलाना, उन्हीं लोगों से मिलाना जो आपकी बात करें, जो आपके बारे में बात करें, जो आपकी सिफत सलाह करें, वडियाई करें, और हम उन्हीं से सीखे, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिले। पुरानी संगत
के सत्संग, मैं इसीलिए कोई सत्संग मिस नहीं करती हूँ। एक सुबोध अंकल का प्लेटफॉर्म है, बड़े मंदिर का प्लेटफॉर्म है, मैं जरूर सुनती हूँ कि पुरानी संगत से हमें बहुत बहुत कुछ सुनने को मिलता है और रिफ्रेश होती है सारी चीजें। आज के दिन का पता चल जाता है हमने ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना। हम तो, मैं तो बहुत पापी हूँ, पता नहीं कितने पाप हो जाते हैं, इंसान है हम लोग, पर गुरु जी के आगे प्रार्थना करते हैं कि गुरु जी हाथ थामे रहे हमारा। और गुरु जी ने बड़ी कृपा की हुई है मेरे हस्बैंड के, एक सत्संग में अपने हस्बैंड का सुनाती हूँ, बहुत प्यारा सत्संग है, हम बहुत, मैं उससे टच्ड हूँ। एक बार मेरे हस्बैंड ऐसे ही बड़े मंदिर गए तो मैं नहीं गई, और वो दर्शन करने गए तो उन्होंने, उनके मुंह से ऐसे ही निकला कि आज मैं कुछ नहीं मांगूंगा, बट सिंगल थाली मिल जाएगी ना अगर, तो मैं यही समझूंगा कि ज्योतिका मेरे साथ खा रही है और उसको भी ब्लेसिंग्स मिल रही है। ये कह के भूल भी गए उन्होंने, बोला चलो जी आगे बड़े मंदिर हॉल में जाओ लंगर प्रसाद के लिए। तो मेरे हस्बैंड चले गए और भूल गए, दिमाग से निकल गया। वहां जाके लाइन में बैठे तो एक आंटी थी, वो बोलती अंकल आप हमारे साथ हो जाओ, हम चार हो जाएंगे तो हम लंगर प्रसाद कर लेंगे। इतने में एक अंकल आए, सरदार अंकल, बोलते हैं आंटी इनको छोड़ो, आप अपने साथ बैठो, ये अंकल आपके साथ बैठेंगे, आप इनके साथ कर लो लंगर। फिर मेरे हस्बैंड अकेले। फिर थोड़ी देर में एक आंटी कहती है अंकल आप हमारे, नहीं क्यों आ गई अंकल, आप हमारे साथ बैठ जाओ, हम लोग चार हो जाएंगे तो लंगर प्रसाद कर लेंगे। तो बोलते कि नहीं नहीं आंटी आप इनको रहने दो। आप इतनी देर में, उस दिन मेरे हस्बैंड बता रहे सिद्धार्थ मोहन जी भी वहीं पर थे, सेवा कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड सोच रहे थे कि आज गुरु जी ने लंगर नहीं खिलाना, क्या क्या हो गया। इतनी देर में वो सरदार अंकल आए, उनके हाथ में सिंगल थाली, और उन्होंने बोला कि अंकल ये आपकी थाली है। और मेरे हस्बैंड की आंखों में आंसू कि मैंने तो यही बोला था कि अगर आज सिंगल थाली मिल जाएगी तो मैं समझूंगा कि ज्योतिका को भी ब्लेसिंग्स मिल गई। तो गुरु जी हर छोटी छोटी बात जो हम सोच भी नहीं सकते कि गुरु जी सुनेंगे, हर चीज में गुरु जी ने हमारा साथ दिया हुआ है। बच्चे बच्चों का इतना साथ देते हैं, मैं इतनी खुश होती हूँ हम लोग की, हमारे छोटे छोटे बच्चे गुरु जी से जुड़ गए हैं। हम लोग तो बहुत लेट हो गए गुरु जी से जुड़ने में, लेकिन हमारा भी टाइम था। मैं वही बार बार कहती हूँ कि वो परेशानी का ही बहुत शुक्राना, क्योंकि संगत जी मैं सच्ची कह रही हूँ कि ये अगर ये प्रॉब्लम मेडिकल इशू नहीं आता तो हम तो जुड़ते ही नहीं। मैं तो कभी भी इस तरफ नहीं आती, मैं इतनी वाहेगुरु जी से अटैच थी। अब समझ में आता है कि क्योंकि जिंदगी बदलने वाले, जिंदगी देने वाले तो गुरु जी हैं, जो जिंदगी बदल सकते हैं वो हमारे महाशिव ही हैं। तो वाहेगुरु जी ने ही मेरा हाथ, मेरी डेस्टिनी बदलने के लिए गुरु जी के हाथ में दे दिया। और मैंने किसी सत्संग में भी सुना था, अंकल ने बोला था कि मेरा हाथ जो है, उस साईं बाबा ने मेरा हाथ गुरु जी के हाथ में दे दिया, या मेरे भगवान जिनको मैं मानता था उन्होंने मेरा हाथ गुरु जी के हाथ में दे दिया कि आप संभालो। तो मैं भी वही मानती हूँ कि वाहेगुरु जी ने मेरा हाथ गुरु जी के हाथ में दे दिया, और गुरु जी ने हमारा वही बहुत निभाया, हर जगह हमारा साथ दिया, मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का, परिवार का, बहुत सारे नेगेटिव लोगों को हमारी जिंदगी से निकाला। मैं उसके लिए भी बहुत शुक्राना करती हूँ। पहले इतने चेंजेस आए हैं, अब पहले की बात में कोई कुछ कह देता था तो हम कुछ भी आर्ग्यूमेंट करने लग जाते थे, अब इतना चेंज है कि जो जहां मेरे को लगता है आर्ग्यूमेंट होना है मैं वो अवॉइड कर देती हूँ, मैं वो ब्लॉक कर देती हूँ वो चीजें, मैं उनसे दूर हो जाती हूँ कि ना मैं बोलूंगी ना मैं सुनूंगी। गुरु जी आप ही बोलोगे, अब आप ही देखोगे, आपने जो देखना है अपने आप सोझी दे दोगे। इन चीजों से हमें दूर रखो। हम कोई 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 लोग ऐसे मिल जाते हैं, कोई कोई संगत भी ऐसी मिल जाती है जो आपको ऐसी सिचुएशन में डाल देती है जहां आप एबीसी करने लग जाते हो। उसके लिए भी मैं हमेशा गुरु जी से बोलती हूँ कि ऐसी, मतलब बस जो आपकी सिफत सलाह की बात करें गुरु जी, उन्हीं से मिलवाना, जो आपकी वडियाई करे वही संगत मिले हमें। ऐसे ही एक छोटा सा सत्संग, जब मैं बड़े मंदिर गई तो मेरे को आंटी बोलती है कि ज्योतिका तुम ना लंगर प्रसाद अच्छे से खाना, अच्छे से मतलब एक एक लास्ट बाइट तक अच्छे से खाना साफ करके, तुम्हें ना पूरी ब्लेसिंग्स की जरूरत है। तो मैंने मन में सोचा कि चार लोग खाएंगे अच्छा नहीं लगता, हर किसी को होता है मुझे ब्लेसिंग मिल जाए मैं खा लूं, तो चार लोग होंगे तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। गुरु जी ने कैसे ब्लेस करना है गुरु जी को पता है। और मैं जा रही थी लंगर प्रसाद लेने के लिए लंगर हॉल की तरफ, वहां पे एक सेवादार अंकल खड़े थे, मेरे को बोलते ज्योतिका आंटी लंगर प्रसाद हो गया। मैंने बोला अंकल मैं जा रही हूँ। तो वहां पे मुझे नहीं पता था कि वहां सिंगल थाली वाले स्टार्टिंग में लोग बैठे हुए थे, तो बोलते आंटी यहीं बैठ जाओ आप। और मैं वहां बैठी और गुरु जी ने मुझे सिंगल थाली दे दी। मैं इतनी खुश हो गई, और इतना जैसे आंटी ने मुझे बोला था कि तुम अच्छे से ऐसे ऐसे करके खाना,
मैंने वैसे ही अच्छे से साफ करके प्लेट बिल्कुल अपनी ब्लेसिंग्स ली और गुरु जी का बहुत शुक्राना किया। इतनी प्यारी संगत, हमारी तो जिंदगी चेंज हो गई है। पहले क्या होता था, फ्राइडे है, मॉल जाओ, शॉपिंग करो, इधर जाओ, ऐसे बच्चों को ले जाओ, बस यही होता था। अभी हम फ्राइडे पूरा हफ्ता, हम लोग का यहाँ की संगत इतनी प्यारी है, दोहा में थोड़ी सी संगत है, हम लोग मिलते हैं आपस में, एवरी फ्राइडे सत्संग होता है और हम लोग यही बातों में पूरा वीक निकल जाता है। सत्संग है, क्या करना है, कैसे करना है, किसको बुलाना है, कौन आएगा, क्या बनाना है, क्या लंगर प्रसाद बनेगा, कौन से शब्द चलेंगे, कौन सी प्लेलिस्ट बनेगी, पूरा वीक इसमें निकल जाता है। और गुरु जी इतनी खुशियां, इतनी खुशियां, इतनी खुशियां देते हैं संगत जी, बस हमारा विश्वास, हमारा विश्वास और हमारा प्यार और हमारे गुरु जी, और जिंदगी में कुछ कुछ भी नहीं बचा। मेरी जिंदगी तो बस गुरु जी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी की बातें, गुरु जी की प्लेलिस्ट। करते हैं हम गलतियां, मैं इंसान हूं, मैं भी एबीसी में कभी कभी बीच में हो जाता है, लेकिन बहुत रिग्रेट करती हूँ कि फिर गुरु जी को बोलती, गुरु जी ऐसे लोगों से ही दूर रखो जिनके साथ एबीसी ना करना पड़े, मैं इन सब में नहीं जाना चाहती फिर से। और बहुत गुरु जी ने कृपा की हुई है, पांचों दिन यहाँ पे फ्राइडे को सत्संग होता है, मंडे को सत्संग होता है, और फिर जब हम सत्संग ढूंढने के लिए, वो 7-8 महीने में इतना तरसती थी कि कोई मिल जाए सत्संग करने के लिए, अभी सत्संग ही सत्संग, गुरु जी की इतनी कृपा बरसती है यहाँ पर पूरी संगत के ऊपर। मंडे भी सत्संग, फ्राइडे भी सत्संग, 3 डेज हम एक आंटी है यहाँ पर, उनको हम लोग को सोझी मिली कि हमने 3 डेज इवनिंग पाठ करते हैं, और ये बड़े मंदिर का सत्संग शुरू होने से पहले हमारा ओला सत्संग चलता है, इवनिंग के पाठ शुरू करके फिर मंत्र जाप और वो उसमें संगत जुड़ती है, और पूरा पूरा हफ्ता ऐसे ही निकल जाता है। और इतने अच्छे से गुरु जी खूब ब्लेसिंग्स देते हैं। मैं अब टाइम हो गया अंकल, मैं वाइंड अप करूंगी, मैं सारी संगत का बहुत 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 शुक्राना करूंगी जिन्होंने मुझे सुना, और आई एम श्योर मैंने गलतियां की होंगी बीच बीच में बोलने में, मुझे माफ कीजिएगा संगत जी, गुरु जी का बहुत शुक्राना। गुरु जी बुलवाते हैं जो बुलवाना है, पता नहीं मैंने क्या मिस किया, क्या सुनाया, मैं बाद में ही सुनूंगी। और गुरु जी बहुत कृपा करते हैं सबके ऊपर, बहुत प्यारे गुरु जी हैं। पहले मैं एक स्वरूप लाती थी या दूसरा ले आती थी तो मेरे हस्बैंड कहते थे सब एक ही होते हैं, सब गुरु जी एक ही हैं, और अब मेरे ही हस्बैंड जो बोलते हैं हर तरह का स्वरूप हमारे घर में हो, कोई भी स्वरूप हो हमारे घर में हो, हर 3 मंथ्स के बाद हमारे को अंदर से होता है बड़े मंदिर जाना है, वही हमारा तीर्थ है और वही हमारा अब सब कुछ है। मैं सच में गुरु जी की बहुत आभारी हूँ, गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ, और आप सारी संगत का बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत ज्यादा शुक्राना पुरानी संगत जो हमें इतना गाइड करती है, इतनी सुंदर सुंदर बातें गुरु जी की बताती है, सुबह शाम हम सत्संग सुनते हैं, और मैं सबको इनकरेज करती हूँ, सबके आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आगे आके हमें जरूर गाइड किया करो, हमें अच्छी अच्छी बातें बताया करो, हमें बताया करो कि क्या मर्यादा है और हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं अब माइंड अप करती हूँ अंकल, टाइम भी हो गया, शुक्राना गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना, सबके लिए खूब सारी ब्लेसिंग, सारी संगत के लिए खूब ब्लेसिंग्स, गुरु जी ने जैसे हमें सुख दिए गुरु जी सबको बहुत सारी कृपा करें, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू वेरी मच अंकल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू।